आखिर हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद उस सैनिक के साथ क्या हुआ था, यह दिल दहलाने वाली घटना सुनोगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सैनिक संदीप गुजर मात्र 19 साल में ही आर्मी को ज्वाइन कर लिया था। एक रात्रि की बात है जब वो जम्मू कश्मीर में अपने कैंप में सो रहे थे। उस समय उनके प्रमुख कमांडर वीरभद्र सिंह को यह सूचना मिली कि श्रीनगर में आतंकी हमले की फिराक में है। उसके बाद उनकी टीम संदीप गुजर के साथ MI-17 V5 हेलीकॉप्टर में श्रीनगर के लिए रवाना हुए। यह भारतीय सेना का सबसे आधुनिक हेलीकॉप्टर था। रात्रि का समय था और मौसम बेहद खराब, तभी तो वह हेलीकॉप्टर ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ रहा था। और जैसे ही मौसम ने अपनी करवट बदली तो फिर अचानक हेलीकॉप्टर ने अपना संतुलन खो दिया। अब वो MI हेलीकॉप्टर धीरे धीरे जमीन की ओर नीचे आ रहा था। वह पूरा जंगली और दलदली इलाका था जहां फौजियों का हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहा था। धमाके के साथ ही आग की लपटें चकाचौंध कर रही थी। सारे जवान कुछ ही पल में वीर गति को प्राप्त हो गयी। भारत के वीरों के लिए यह बेहद दुखद खबर थी। जैसे ही सेना को खबर मिली तो फिर सेना ने बचाव दल की टुकड़ी उस ओर भेज दी जहां पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। रात भर की मेहनत के बाद सुबह की पहली किरण के साथ ही शहीद जवानों के शव बाहर निकाल दिए गए। शहीद सैनिकों के शव बुरी तरह जल चुके थे, पहचानना भी मुश्किल हो रहा था और फिर सेना ने उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। असल में उस हेलीकॉप्टर में 5 सैनिक मौजूद थे, मगर जब शव मिले थे उनकी संख्या 4 थी। जब पता चला कि संदीप गुजर उन शहीदों में शामिल नहीं हैं, तो फिर उनके घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं था। अब तक जो माँ का रो रो कर बुरा हाल था, अब जाके कहीं चैन आया था। माँ अपने बेटे से मिलने के लिए बेचैन हो गई। उस माँ का दर्द एक बेटा ही समझ सकता है। उधर आर्मी ने संदीप गुजर को ढूंढने के लिए रात दिन एक कर दिए, मगर उसका कहीं पता नहीं चल रहा था। और फिर थक हार कर आर्मी ने फौजी संदीप गुजर को आखिरकार शहीद घोषित कर दिया। लेकिन एक माँ की ममता को यह कतई स्वीकार नहीं था। वो जानती थी कि मेरा बेटा जिंदा है, उसके लौटने का इंतजार करने लगी। यहाँ तक कि संदीप गुजर को मरणोपरांत वीर चक्र से नवाजा भी जा चुका था। दिन बीते, महीने बीते और फिर 10 वर्ष बीत गए, लेकिन संदीप का कोई अता पता नहीं था। आज भी उस चौखट पर बैठी माँ, जिसकी आंखें संदीप की याद में धुंधला गई थी, मगर फिर भी उसे विश्वास था कि मेरा बेटा एक दिन जरूर आएगा, पड़ोसी उसे पागल कहने लगे। यहाँ तक कि घर में भी उनका तिरस्कार होने लगा, मगर भोले भंडारी महादेव की भक्त माँ ने हार नहीं मानी थी। यहाँ तक कि 25 वर्ष बीत चुके थे, अब तक संदीप की माँ भी 75 साल की हो गई थी और चेहरे पर झुर्रियां साफ साफ दिख रही थी, लेकिन उसका चेहरा आज भी अपने बेटे के लिए तरस रहा था। और फिर उस घटना के 25 साल बाद एक दिन ऐसा चमत्कार हुआ जिस पर किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था। माँ की आंखों के सामने संदीप जिंदा खड़ा था और वह भी 25 साल बाद। माँ की ममता आज संदीप को गले लगाकर खूब रोई थी। सेना के पास एक खबर पहुंची तो फिर इस हकीकत को जानने के लिए आर्मी की पूरी टीम संदीप के घर पहुंच गई थी। आखिर तुम इतने सालों तक कहाँ थे और फिर तुम्हारे साथ ऐसी क्या घटना घटी कि आज तक तुम वापस नहीं आ पाई? तब संदीप ने बताया कि आज से 25 साल पहले जब हमारा हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, तब पैराशूट के जरिए मैं नीचे कूद गया था और जिस जंगल में मैं नीचे गिरा था वहाँ एक आदिवासी कबीला रहता था। सिर पर इतनी भयंकर चोट थी कि मैं सब कुछ भूल चुका था, या फिर यूं कहें मेरी याददाश्त चली गई थी। उन आदिवासियों ने मेरा पूरा ख्याल रखा और मेरा उपचार भी किया था। मैं मेरा अतीत भूल चुका था और फिर वहीं पर जीवन यापन करने लगा। लेकिन एक दिन माँ शिवरात्रि का दिन था और गलती से मेरा सिर किसी चीज से टकरा गया था और अचानक महादेव की कृपा से मुझे वे सारी चीजें याद आने लगी और फिर उन वन पुत्रों से आज्ञा लेकर मैं अपने घर लौट आया। सेना ने उसके बाद भी तहकीकात की थी और आखिरकार पाया कि संदीप गुजर सही बोल रहे हैं। दोस्तों, इस सच्चे सिपाही के बारे में आपका क्या कहना है? आर्मी की सच्ची घटना पर आपके क्या विचार है? भोले भंडारी महादेव की कृपा आप पर बने रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।